ये देखिए सेब की खट्टी मीठी तीखी चटनी बनके तैयार हो गई है। खाने में बहुत चटपटी होती है, बहुत टेस्टी होती है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। आप अपने अनुभव भी हमसे ज़रूर शेयर करें। हेलो दोस्तों, काबा किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सेब की चटनी। तो उसके लिए देखिए, हमने ये एक सेब लिया है, तो इसको हमने छील के कट कर लिया है पीस में। ये हमने 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ली हैं, 4 हरी मिर्च ली है, तो हरी मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकती हैं। 1 इंच हमने अदरक का टुकड़ा लिया जिसको हमने कट कर लिया है। ये हरी धनिया ली है, आप पुदीने की पत्तियाँ भी ले सकती हैं। ये काला नमक, ये हमने 1 नींबू का रस लिया है, और ये काली मिर्च और ये सेंधा नमक जिसको हमने साथ में पीस लिया है। तो हम अब चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक हमने ये मिक्सर जार लिया है, तो इसमें हम ये धनिया डाल देंगे, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन, और जो ये हमने सेब कट किए हैं तो सेब डाल देंगे हम, काला नमक, और ये हमने सेंधा नमक और काली मिर्च लिया है, और ये नींबू का रस। इसको हम अब पीस लेंगे। ये देखिए, ये सेब की चटनी बनके तैयार हो गई है। ये देखिए, सेब की खट्टी मीठी तीखी चटनी बनके तैयार हो गई है। खाने में बहुत चटपटी होती है, बहुत टेस्टी होती है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। आप अपने अनुभव भी हमसे ज़रूर शेयर करें।